प्रिय दर्शकों, आज हम पुनः एक नए विचार के साथ, नई स्फूर्ति के साथ उपस्थित हैं। और आज का हमारा जो विषय है वो ऐसा विषय है जो हमारे हमसे ही संबंधित है, हमारे मानव जीवन से संबंधित है। और उसमें हम भी ये विचार करेंगे आज कि आखिर राम ने बाली को छुपकर ही क्यों मारा, सामने से आकर के क्यों नहीं मारा। तो ये जो आज का प्रसंग है वो हमारा प्रतीकात्मक प्रसंग है और इसका हमारे जीवन से बहुत ही साम्य है, निकटता है। और ये विचारणीय है कि बाली ने कुछ ऊपर क्यों मारा। मैं थोड़ा सा यहां पर ये आपको बताना चाहता हूं कि बाली को यदि हम बाल से देखते हैं, बाली को बाल से देखते हैं, तो बाल का अर्थ होता है लड़कपन, जिसका अर्थ होता है हमारा जो विचार है वो बहुत ही ज्यादा परिपक्व नहीं है, या यूं कहें कि उतने अच्छे विचार नहीं है, लड़कपन वाले विचार होते हैं। और वो बाली एक बुरा समय है, बाली बुरा समय है जो हमारे विचारों और हमारे कर्म से बना है। बाली हमारे जीवन की समस्या है, किस प्रकार क्रिएट होती है ये हम देखते हैं। सुग्रीव हम स्वयं हैं और कोई सुग्रीव नहीं है, हम स्वयं सुग्रीव हैं। सुग्रीव का अर्थ इंद्र भी होता है और इंद्र एक ऐसा देवताओं का अधिपति है जो जीवन में सभी भौतिक सुख संसाधनों की आकांक्षा रखता है, सब तरह के अच्छे अच्छे परिणाम चाहता है अपने पक्ष में। और रघुवीर यहां पर अच्छा समय है, अच्छे विचार हैं जिनके सहारे हम बढ़ते हैं। रघुवीर यहां पर हमारे इष्ट हैं जिनको हम कठिन समय में याद करते हैं, जो हमको सद प्रेरणा देते हैं, सद विचार देते हैं, उस समस्या को समाधान करने के लिए आगे को बढ़ाते हैं। तो आइए रामचरितमानस के प्रसंग में हम इस बात को देखते हैं। बाली ताहि मारि ग्रहावा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा, रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, हरि लीन से सर्वसु अरुणारी। देखिए क्या होता है, जिस समय पर बाली आता है, जिस समय पर हमारा बुरा समय आता है, जो हमारे ही सही निर्णयों का परिणाम नहीं होता, या यूं कहें कि गलत निर्णयों का परिणाम होता है, जो हमारे अच्छे विचारों का परिणाम नहीं है, अच्छे कर्मों का परिणाम नहीं है, वो बाली जिस समय पर आता है तो किसको मारता है? ताहि मारि ग्रह आवा, ताहि माने उस अच्छे समय को मार करके हमारे घर में प्रवेश कर जाता है। और जिस समय पर वो हमारे घर में प्रवेश कर जाता है तो देख मोहि जिय भेद बढ़ावा, उसी समय पर हमारे जीव में भ्रांति पैदा होने लगती है, हमारा जी
अशांत होने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं, और क्या होता है वो फिर हमें शत्रु की भांति रिप सम्मोह मारेस, शत्रु की भांति वो हमको मारता है और लगातार उसमें वृद्धि करता है, अति भारी बहुत अति कर देता है, बहुत परेशान कर देता है। और हरिलीनेश सर्वस्व अरु नारी, यहां हरिलीनेश माने हमारा सर्वस्व हर लेता है, हमारे सब सुख चैन को हर लेता है, हमारी सब भौतिक समृद्धि को हर लेता है। सर्वस्व और अरु नारी का यह मतलब हमारी सब भौतिक संपदा को नष्ट करने लगता है, और उस समय पर हम इतने विचलित हो जाते हैं कि इसका वर्णन आप इस चौपाई से देख सकते हैं कि बाले त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु प्रण चिंता जरे छाती। बाली का त्रास माने वो इतना हमको तांसता, इतना हमको परेशान करता है कि हम दिन और रात व्याकुल रहने लगते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है, हमको कभी चैन नहीं पड़ता दिन और रात, हम उस समस्या में उलझ जाते हैं और हमारा जो शरीर है बहुत ही दुर्बल हो जाता है। चिंता की वजह से हमारी हर वक्त छाती जलती रहती है, जाने हम क्या क्या सोचते रहते हैं, माने जो हमने छोटा विचार बनाया था, जो हमारा गलत विचार थे या गलत निर्णय थे, उन गलत निर्णयों की वजह से हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो ही चिंता का हमारा कारण बन जाता है, रात दिन हमको व्याकुलता परेशान करने लगती है। अब यदि ऐसे हमारा दुख भरा समय है, जिस समय पर हम डिप्रेशन में जा रहे हों, जिस समय पर हम कुछ न सोच पा रहे हों, तो प्रिय बंधुओं यहां रघुवर को याद करना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि उस समय पर आप थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठें, अपने इष्ट को याद करें मन से, और जब आप अपने इष्ट को याद करेंगे मन से, कुछ शांति से बैठेंगे, कुछ शांति से सोचेंगे, तो जो रघुवर रूपी आपके इष्ट हैं, वो आपके मित्र के रूप में, आपके सखा के रूप में, आपके साथी के रूप में, भाई बंधुओं के रूप में आपको प्रेरणा देंगे। और जिस समय पर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो कुछ सद्विचार उत्पन्न पैदा होंगे, और जब सद्विचार उत्पन्न पैदा होंगे तो फिर देखिए कैसी स्थिति बनती है, फिर ऐसी स्थिति बनती है कि जब हम सोते हैं तो हम सपने में तरह तरह की योजनाएं सोचते हैं, माने इस तरह का हमारा मन उस उद्देश्य की तरफ भटकने लगता है, प्राप्त करने की तरफ भटकने लगता है। तो तुलसीदास उसमें कहते हैं कि सपने जेसन होइ ललाई, जागे समुझत मन सकुचाई। सपने में भी उन समस्याओं से हमारी लड़ाई होने लगती है, माने वो कहते हैं कि जब सुग्रीव सो जाते हैं तो उनके सामने विकट समस्या है अपने शासन की, अपने राज्य की, अपनी स्त्री की, तो वो सपने में भी बाली से लड़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही जगते हैं तो मन इसलिए सकुचा जाता है कि हम अपने को उसको फेस करने में असमर्थ पाते, लेकिन फिर भी जब हम हमारे इष्ट हमारे साथ हैं, जब हमारे भगवान हमारे साथ हैं, जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है अपने उद्देश्य की तरफ, हम साहस बटोरते हैं, तो वही इष्ट एक स्फुरणा मन में पैदा कर देता है, और उस स्फुरणा से हम फिर उस समस्या को समस्या से भिड़ जाते हैं। और वही जो हमारा इष्ट है, जो हमारा अच्छे विचार हैं, वो हमको सद प्रेरणा देते हैं उससे भिड़ने के लिए। तो यहां पर कहा है कि तब रघुपते सुग्रीव पठावा,
गरज से जाए निकट बल पावा, उन सद विचारों का निकट बल पावा, बल सद विचारों का बल पा करके इष्ट की प्रेरणा से हम फिर क्या करते हैं कि हम वहां उस समस्या से लड़ने के लिए, उस समस्या से जूझने के लिए पहुंच जाते हैं, उससे संघर्ष करने लगते हैं। और संघर्ष हमको करना चाहिए क्योंकि हमारी अंतः प्रेरणा जो हमारा इष्ट है वो हमको प्रेरित कर रहा है उस समस्या से लड़ने के लिए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, सुग्रीव माने हम लोगों को, तब वो रघुपति आंतरिक रूप से उससे लड़ने के लिए भेज दे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमारी हालत बड़ी ही बुजदिली हो जाती है, हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सूझ नहीं रहा है, लेकिन उस समस्या से फिर भिड़ रहे हैं, तो क्या होता है, भोरे भेरे को भाऊ बाली अति तर जा, मुठिका मारे महा धुने घर जा।